गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ टॉप 5 बेस मेकअप जो कि हैं अंडर 250 रुपीज़। इनमें मेकअप स्टिक या कंसीलर और फाउंडेशन दोनों मैंने इंक्लूड किए हैं। तो अगर आप जानना चाहती हैं कि कौन कौन से हैं ये प्रोडक्ट या कैसा वर्क है इनका, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। बट उससे पहले मेक श्योर जरूर कर लें कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर लें जिससे आपको मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में मैं जितने भी प्रोडक्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ उनसे रिलेटेड सभी डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है, तो मेक श्योर उसे चेकआउट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मैं एक एक करके आपके साथ प्रोडक्ट शेयर करूँगी। तो सबसे पहला प्रोडक्ट है NYB का कंसीलर, और इसमें अगर शेड रेंज की बात करें तो इसमें कई सारे शेड अवेलेबल हैं, तो आप अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग कोई सा भी शेड बाई कर सकती हैं। फिलहाल इसमें आपको कलर करेक्टर भी मिल जाएंगे, चाहे वो ग्रीन हो या ऑरेंज हो, तो आप अपनी स्किन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई सा भी कंसीलर बाय कर सकती हैं या कलर करेक्टर बाय कर सकती हैं। और इसमें मेरा जो शेड है वो है 03 ग्रैंड गोल्डन सेंट्रल। और अगर बात करें इसके प्राइस की, तो इसका प्राइस एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, बट मैं इसका जो एग्जैक्ट प्राइस है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। बट मुझे इतना याद है कि इसका जो प्राइस है वो अंडर 100 रुपीज़ है। अगर बात करें इसकी पैकेजिंग की, तो इसकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है। ये लिपस्टिक के फॉर्म में है और ट्विस्टेबल है, तो आप इसे ट्विस्ट करके यूज़ कर सकती हैं। अगर बात करें इसके शेड की, तो मैं इसका शेड भी आपको दिखा देती हूँ। ये है इसका शेड। अगर बात करें इसके मतलब कि ये स्किन पे कैसा वर्क करता है और कैसे ग्लाइड होता है, तो क्योंकि ये क्रीमी है तो आपकी स्किन पे बहुत अच्छे से ग्लाइड हो जाएगा। अगर बात करें इसके कवरेज की, तो इसकी जो कवरेज है वो आप मीडियम बोल सकते हैं, बट अगर आपको एक्स्ट्रा कवरेज की नीड हो तो आप इसकी कवरेज को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बिल्ड भी कर सकती हैं। और साथ ही साथ मैंने इसमें जो शेड लिया है वो मेरे स्किन टोन से काफ़ी मैचिंग है, तो आप चाहें तो इसे कंसीलर की तरह यूज़ कर सकती हैं या फिर फाउंडेशन की तरह यूज़ कर सकती हैं, या फिर अगर इसमें एक शेड आप लाइटर लेंगी अपनी स्किन टोन से तो आप उसे हाइलाइटिंग के लिए भी यूज़ कर सकती हैं, हाइलाइटिंग कंसीलर के लिए भी। तो ये आप पे डिपेंड करता है। फिलहाल मुझे ये बहुत पसंद है, क्योंकि जो प्राइस आप पे कर रहे हो आप हमेशा प्रोडक्ट को उसी के अकॉर्डिंग ही जज करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ब्लू हेवन की मेकअप एक्सप्रेशन मेकअप स्टिक, और इसमें भी कई सारे शेड अवेलेबल हैं। फिलहाल आज आप मेरे फेस पे जो मेकअप देख रहे हैं, मैंने इसी को यूज़ करके ये मेकअप लुक क्रिएट किया है, मतलब मेरा बेस मेकअप यही है। और इसमें जो मेरा शेड है वो है 04 नेचुरल ग्लो, और इसमें भी मैंने आपको बता दिया कि कई सारे शेड अवेलेबल हैं, तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई सा भी शेड बाय कर सकती हैं। फिलहाल इस कंसीलर या मेकअप स्टिक की एक प्रॉब्लम है कि ये पिंक अंडरटोन के साथ आती है। दोनों के बीच में आप डिफरेंस देख सकते हैं कि जो NYB का कंसीलर स्टिक है वो येलो अंडरटोन पे है और ये पिंक अंडरटोन पे है, जो कि थोड़ा सा मुझे अजीब लगा, क्योंकि इंडियन स्किन टोन जो होती है वो येलो होती है, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम दे सकती है। बाकी यूज़ करने में काफ़ी हैंडी है, तो आप इसे इजीली यूज़ कर सकती हैं, और कवरेज भी अच्छी है, मीडियम कवरेज है, बट अगर आपको एक्स्ट्रा कवरेज की नीड हो तो आप इसकी कवरेज को बिल्ड भी कर सकती हैं। बाकी अगर बात करें इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट की, तो इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट इसकी पैकेजिंग पे मेंशन है, आप चाहें तो उसे चेक कर सकती हैं। और इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट में कहीं पे भी ये नहीं मेंशन है कि इसमें पैराबेंस हैं या नहीं, जो कि अच्छी बात है, आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैं एक बात आपको मेंशन कर दूँ कि ब्लू हेवन के जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें हल्की सी फ्रेग्रेंस होती है। फिलहाल इसमें भी फ्रेग्रेंस है, बट मुझे ये इतनी अनोइंग नहीं लगी, तो इसलिए मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी। बट अगर आपकी नोज सेंसिटिव है तो आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है लैक्मे से, और यह है लैक्मे फेस मैजिक स्किन टिंट सूफले, और इसका जो प्राइस है वो है 160 रुपीज़, जिसमें आपको 30 ml की प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है, और इसकी सेल्फ लाइफ 24 मंथ है, तो आप इसे इजीली यूज़ कर सकती हैं। सॉरी, मैंने आपको इसका प्राइस नहीं बताया था, इसका प्राइस है 94 रुपीज़, क्योंकि इसका प्राइस मुझे याद है और इसकी आउटर पैकेजिंग भी मेरे पास है। अगर बात करें इस प्रोडक्ट से रिलेटेड डिटेल्स की, तो इसकी जो डिटेल्स है वो पैकेजिंग पे मेंशन की गई है, बट इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट पैकेजिंग पे मेंशन नहीं की गई है। अगर बात करें इसकी इनर पैकेजिंग की, तो इसकी इनर पैकेजिंग आप देख सकती हैं कि पैकेजिंग देखने में बहुत अच्छी है, फिलहाल मुझे बहुत अच्छी लगी। ये ग्लास बॉटल है, तो ट्रेवलिंग के लिए थोड़ा सा
सेफ नहीं है क्योंकि हैवी भी है और ब्रेक होने के चांसेस भी हैं। अगर बात करें इसमें शेड की, तो इसमें दो तीन शेड अवेलेबल है और मेरा जो इसमें शेड है वो है नेचुरल मार्बल, जो कि है फेयर टू वीटी स्किन टोन के लिए। और इसमें मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये प्रोडक्ट कैसा है। तो इसे यूज़ करने से पहले आपको इसे अच्छे से शेक करना होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लिक्विडी है। आप देख सकती हैं कि ये बहुत ज़्यादा लिक्विडी है। फिलहाल मैं इसे ऊपर नहीं करूँगी, अगर ये इसमें से प्रोडक्ट बाहर निकला तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। फिलहाल इसका शेड मैं आपको दिखा देती हूँ हल्का सा। यहाँ पे मैंने हल्का सा अप्लाई किया है, क्योंकि इसे सेक करने के बाद आपको इसे यूज़ करना होगा, तभी आप इसे यूज़ कर सकती हैं। यहाँ पे मैं एक बात आपको ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि मैंने कभी भी इसे आपके साथ शेयर करके कोई मेकअप लुक क्रिएट नहीं किया। वो इसलिए क्योंकि इसकी जो स्मेल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग से मतलब ये है कि मैंने इसे शायद 2 या 3 बार यूज़ किया है, और जब भी मैंने इसे यूज़ किया है मुझे सर दर्द होना स्टार्ट हो गया है, और वो फीलिंग जो होती है ना वो बहुत बेकार लगती है। तो मैं इसे यूज़ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। हालांकि इसकी जो कवरेज है वो शीयर है, जो कि एवरीडे के लिए परफेक्ट है। अगर आपको स्मेल से कोई प्रॉब्लम नहीं है तब आप इसके साथ जा सकती हैं, बट अगर आपकी नोज सेंसिटिव है, चाहे इतनी से भी सेंसिटिव हो, तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप इसके साथ जाएं, क्योंकि इसकी जो स्मेल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो बहुत अनोइंग भी लगती है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है ब्लू हेवन से अगेन, और ये है ब्लू हेवन का सिल्की फ्लोरिना फाउंडेशन। और इस ये है ब्लू हेवन का सिल्की फ्लोरिना फाउंडेशन, और इसमें जो मेरा शेड है वो है 03 नेचुरल ग्लो, सेम शेड इसमें भी है। और अगर बात करें इस फाउंडेशन की, तो इसमें सिर्फ 2 ही शेड अवेलेबल हैं, तो आप अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग देख सकती हैं कि कौन सा आपको चूज़ करना है। फिलहाल मैंने जो लिया है वो है 02, और इसका प्राइस है 175 रुपीज़, जिसमें आपको 30 ml की प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है। और ये भी ग्लास बॉटल है, तो आप इसे ट्रेवलिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकती हैं, क्योंकि ये काफ़ी हैवी है, बल्की है, और इसकी जो इंग्रीडियंट लिस्ट है वो भी यहाँ पर कहीं पर भी मैंशन नहीं है। और पैकेजिंग की अगर बात करूँ, तो फिलहाल पैकेजिंग मैंने पता नहीं कहाँ रख दी है, तो मैं बता नहीं सकती हूँ। यहाँ पे आपको एक लिड मिल जाती है और एक पंप पैकेजिंग, जबकि ये जो पंप पैकेजिंग है इसने आज तक मेरे लिए कोई भी वर्क नहीं किया है, और मैं इसे कभी इस पंप पैक से नहीं निकाल पाई हूँ, तो मुझे इसे ओपन करके ही यूज़ करना होता है। तो आप देख सकती हैं ये फाउंडेशन जो है वो काफ़ी थिक है। और अगर बात करें इसकी कवरेज की, तो इसकी कवरेज भी मीडियम है, बट अगर आप चाहें तो इसकी कवरेज को बिल्ड कर सकती हैं इसकी सेकंड लेयर को अप्लाई करके। ये है इसका हैंड स्वाच, आप देख सकती हैं। यहाँ पे मैं एक बात आपके साथ ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि इसे ब्लेंड करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप देख सकती हैं कि कवरेज भी काफ़ी अच्छी है, बट अगर आपकी स्किन चाहे ड्राई हो या ऑयली हो, एक्सट्रीमली ऑयली की तो मैं बात नहीं कर सकती हूँ, बट अगर आपकी स्किन ऑयली है, कॉम्बिनेशन है या ड्राई है, इस फाउंडेशन को अगर आप यूज़ करती हैं, तो इसे यूज़ करने से पहले अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज करना बिल्कुल भी ना भूलें, अदरवाइज़ ये आपके फेस पर ड्राई पैचेस छोड़ सकता है और आपको ब्लेंड करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम होगी। तो इतना याद रखिएगा कि जब भी आप इसे यूज़ करें, तो इसे यूज़ करने से पहले अपने फेस को मॉइस्चराइज़ करना बिल्कुल भी ना भूलें। और एक बात, क्योंकि ये भी ब्लू हेवन कंपनी से है, तो इसकी भी जो स्मेल है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हाँ, इसकी भी स्मेल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट ये लैक्मी के सूफले, स्किन टिंट सूफले से काफ़ी हल्की है, बट फिर भी इसमें स्मेल है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आपकी नोज सेंसिटिव है तो आप इसे मत यूज़ करिएगा। और लास्ट प्रोडक्ट है लैक्मे से, और यह लैक्मे का इनविजिबल फिनिश फाउंडेशन, और इसमें भी कई सारे शेड अवेलेबल हैं, तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग या अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग कोई सा भी शेड बाय कर सकती हैं। मेरा जो शेड है वो है 01। और अगर बात करें इसमें आउटर पैकेजिंग की, तो ये आउटर पैकेजिंग के साथ नहीं आता है, ये इसकी एक्चुअल पैकेजिंग है, और ये भी ग्लास बॉटल है। पैकेजिंग देखने में काफ़ी अच्छी है। इस फाउंडेशन की एक बात अच्छी है कि ये एप्लीकेटर के साथ आता है, तो आप इसे इजीली यूज़ कर सकती हैं प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए। फिलहाल अगर बात करें इस फाउंडेशन की, तो इसमें भी हल्की सी फ्रेग्रेंस है, और ये है इसका हैंड स्वाच, ये देखिए।
बट अगर बात करें ब्लेंडिंग की तो इसे ब्लेंड करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये आपकी स्किन में बहुत इजीली ब्लेंड होती है। अगर आपने अपने फेस को हल्का सा भी मॉइस्चराइज किया है तो ये आपके फेस पे बहुत अच्छे से ब्लेंड होगा, तो आप इसे इजीली यूज़ कर सकती हैं। फिलहाल अगर बात करें इसके कवरेज की तो इसकी कवरेज काफ़ी अच्छी है, मीडियम टू फुल कवरेज है। आप कवरेज को अपने अकॉर्डिंग बिल्ड कर सकती हैं, कवरेज की इंटेंसिटी को बढ़ा सकती हैं उसकी सेकेंड लेयर को अप्लाई करके, तो कवरेज का कोई भी इश्यू नहीं है। अगर बात करें स्किन टाइप की तो ये फाउंडेशन ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। फिलहाल ये सारे फाउंडेशन ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल हैं। इसका जो प्राइस है वो है 260 रुपीज़, आई गेस पैकेजिंग पे कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया है, नहीं यहाँ पे है पैकेजिंग पे 260 है, बट ये आपको ईजिली 200 या 220 तक ईजिली मिल जाएगा। और इसमें आपको मिल जाता है 25 ml की प्रोडक्ट क्वान्टिटी, और इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो 24 मंथ है, और साथ ही साथ इसमें आपको मिल जाता है SPF 8, और ये फाउंडेशन वाटर बेस्ड है, मतलब कि जब आप इसे अपने फेस पे अप्लाई करेंगे तो ये आपके फेस पे मैट फिनिश देगा। फिलहाल जब भी मैंने इस फाउंडेशन को यूज़ किया है तो मेरा जो बेस मेकअप होता है वो बहुत परफेक्ट, बहुत फ्लॉलेस दिखता है, तो मुझे ये फाउंडेशन बहुत पसंद है। और आपको भी मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आप कोई अफोर्डेबल फाउंडेशन सर्च कर रही हैं तो आप इस फाउंडेशन को ट्राई कर सकती हैं। फिलहाल अगर बात करें इन सभी प्रोडक्ट में, तो अगर मैं फाउंडेशन की बात करूं तो मुझे ये फाउंडेशन पसंद है लैक्मी का, और कंसीलर में मुझे ये दोनों ही कंसीलर स्टिक पसंद हैं। क्योंकि यहाँ पे मैं एक बात आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बाय कर रही हैं, चाहे वो स्किन केयर प्रोडक्ट हो या फिर मेकअप प्रोडक्ट हो, तो एक बात का ध्यान जरूर रखें कि जो प्राइस आप पे कर रही हैं आप उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को जज करें। जैसे कि अगर आपने इसके लिए 80 रुपीज़ पे किया और आप इससे एक्सपेक्ट कर रही हैं कि ये आपको 500 और 600 के कंसीलर से मतलब टक्कर दे उसे, कि उसके कंपैरिजन में आप इसे रखें, तो ये आपकी मिस्टेक है, प्रोडक्ट में कोई भी कमी नहीं है। तो हमेशा कभी भी कोई भी प्रोडक्ट अगर आप बाय कर रही हैं तो उस प्रोडक्ट को आप उसके प्राइस के अकॉर्डिंग ही जज करें, तभी वो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। नहीं तो आपको हमेशा ही ऐसा लगेगा कि ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है या वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। फिलहाल अगर बात करें इन पांचों फाउंडेशन या फिर बेस मेकअप की, तो मुझे चार सबसे ज़्यादा पसंद है। फिलहाल मैं ब्लू हेवन का जो फाउंडेशन है मैं उसे भी यूज़ कर लेती हूँ, बट मैं कभी भी इसे यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही अब बता दिया कि इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए मैं इसे यूज़ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। ओवरऑल प्रोडक्ट सभी बहुत अच्छे हैं, आप चाहें तो आप इन्हें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या अपने बजट के अकॉर्डिंग इनमें से कोई सा भी ट्राई कर सकती हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, होप मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। इनमें से आपको कौन सा प्रोडक्ट पसंद है या इनमें से ऐसा कौन सा प्रोडक्ट पसंद है, ऐसा है जो आपको बिल्कुल भी नहीं पसंद है, वो भी नीचे कमेंट करके बताएं। मुझे भी जानना है कि इनमें से आपको कौन सा पसंद है या कौन सा नहीं पसंद है। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड टेक केयर, बाय।